रास्ते में रुककर कुछ फ़ोटो शूट कर रहे थे। हम लोग करीब करीब 4 या 5 किलोमीटर अपने घर से दूर निकल चुके हैं और अभी 4-5 किलोमीटर और दूरी तय करनी भी है। हम लोग रास्ते में रुककर फोटो शूट कर रहे थे। फोटो शूट करना हो गया है, अब आगे नहीं कर रहे हैं। करीब करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं और आगे अभी बचा हुआ है। हम लोग मधुबन घुस चुके हैं और यहाँ से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर है पारसनाथ। ये देखिए थोड़ा सा जूम किए हैं, ये जो पहाड़ी दिख रही है पारसनाथ की मंदिर है। इसी भी पहाड़ी में पारसनाथ की मंदिर है और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। देखिए ये जो पहाड़ी दिख रही है सामने में, वही है पारसनाथ की पहाड़ी। और इधर देखिए, इधर भी बहुत नीचे भी बहुत सारा मंदिर है, हम आपको आते समय दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग सीधे यहाँ से जाएंगे और पारसनाथ की मंदिर के लिए ऊपर चढ़ेंगे। देखिए थोड़ा जो पूरा दिख रहा है ना, पूरा बने ले जा ले हम लोग पहुँच चुके हैं और ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा है यहीं से हम लोग को यात्रा करना है। यहाँ से पहले 2 किलोमीटर पर जो कलीकुंड धाम है वहाँ पे देखना है, वहाँ पे पूरा शूट करना है, उसके बाद आगे दिखाएंगे आपको, ठीक है। हम लोग यात्रा शुरू कर चुके हैं और बारिश भी चालू हो गई है और काफ़ी तेज़ से पड़ रही है बारिश। हम लोग भीग भी रहे हैं, इधर बचने वाला भी नहीं है, देखते हैं आगे कुछ है बचने वाला तो वहाँ पर थोड़ा टाइम रुक लेंगे। यहाँ अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है फिलहाल, आगे देखते हैं। हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं, इधर से बारिश की वजह से शॉर्टकट ले रहे हैं। अभी बारिश तो बंद हुई है, हल्का पड़ रही है बारिश से, तो काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। शॉर्टकट्स लेके हम लोग थोड़ा सा अपने भाइयों से आगे निकलना चाह रहे हैं। देखिए पत्थर भी इधर थोड़ा सा संभल के चलना पड़ रहा है। मेरे भाई आगे आगे चल रहे हैं, देखिए इसलिए बीमार तो पहले से ही, फिर भी इनको लेते आए हम लोग साथ में। और देखिए पहले से भी टूरिस्ट जा रहे हैं हम लोग, मुझसे काफ़ी आगे निकले थे लेकिन अभी तक वहीं पे पहुँचे हैं। ये लोग भी शॉर्टकट्स लिए हैं। देखिए हम लोग अभी रोड पे निकल चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हॉरर मूवी का शूटिंग कर रहे हैं। ये देखिए कैसा लग रहा है नज़ारा यहाँ का। ये भी तो कुछ नहीं, अभी ऊपर चढ़ेंगे तो लगता है और भी रोमांचक हो सकता है। देखिए मुझे देखिए फिर बारिश धीरे धीरे तेज होते जा रही है। आगे से हम लोग जहाँ से बोट जहाँ से यात्रा शुरू किए थे वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर पर है कलीकुंड मंदिर और हम लोग पहले कलीकुंड मंदिर जाएंगे, वहाँ पे पूजा वूजा करेंगे और वहीं पे शूट वूट करेंगे जो करना है सो, ठीक है। और वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ नाश्ता वास्ता कर लेंगे। अभी पहुँचे नहीं हैं, पहुँचेंगे फिर आपको दिखाएंगे आगे। मेरे यहाँ ये देखिए इधर बचने वाली जगह नहीं है, बारिश तो हो ही रही है। हम लोग काफ़ी हद तक भीग भी चुके हैं और मेरे जितने भी भाई लोग हैं वो पीछे रह चुके हैं, पीछे ही हैं, उन लोग अभी आए नहीं हैं। हम लोग कभी 2-3 जो हैं वही आगे चल रहे हैं, बारिश की वजह से उन लोग से के लिए रुके भी नहीं है, इधर बचने वाला भी नहीं है। और ये रहा कुछ घर दिख रहा है, देखते हैं इसमें क्या है, झोपड़ी है ये, झोपड़ी है लेकिन इसमें कोई है नहीं, दिखाते हैं आपको ठीक से, ये कोई रह नहीं रहा है, दिखा रहे हैं आपको थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये देखिए इसमें कोई है नहीं, ये बंद पड़ा हुआ है। अभी सीजन नहीं है ना घूमने का, जनवरी फरवरी जो होता है दिसंबर से ही चालू हो जाता है, टूरिस्ट सब आने लगते हैं। अभी भी आए हैं लेकिन काफ़ी हद तक नहीं है अभी जितना पहले होता था। ये यहाँ पर
चाय, बिस्किट, पानी है, नींबू पानी जो आदरी सब आते हैं उन लोग के लिए दुकान छोटा मोटा खोल के रखे हैं। देखते हैं, ये देखिए, ये मेरा भाई आ रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं इसका हालत कैसा हो चुका है। सो थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएंगे, ये देखिए कैसा आ रहे हैं। सो हम लोग कलिकुंड धाम पहुँच चुके हैं, 2 किलोमीटर की यात्रा हम लोग को हो चुकी है। ठीक है, अब आगे आपको मंदिर का पूरा सीन दिखाएंगे। यहाँ पर करीब 9 या 10 मंदिर है। हम यहाँ पर फोटो शूट करना या वीडियो शूट करना मना है, लेकिन देखते हैं कर पाते या नहीं है। सो ये देखिए, लोग यात्री सब काफ़ी थक चुके हैं और डोली में आ रहे हैं। ये रहा उनका गेट कलिकुंड धाम का। अब गेट के अंदर हम दिखाएंगे आपको, और हम गेट से एंटर कर रहे हैं। और ये रहा फ्रंट में जो दिख रहा है आपको मंदिर, वही सबसे यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर यहीं का है, कलिकुंड धाम का सबसे बड़ा मंदिर है। और आपको चारों तरफ नज़ारा दिखा रहे हैं इसका। देखिए पानी काफ़ी हद तक पड़ा हुआ है। ये रहा, ये देखिए, ये आगे आगे भी दिखाते हैं आपको। ये रहा, देखिए मेरा भाई साहब अभी पहुंच चुके हैं और आगे जा रहे हैं वो सब। ये पीछे का सीन से दिखा रहे हैं, ये देखिए, देखिए काफ़ी हद, देखिए इधर उधर, इधर भी मंदिर है, इधर भी है, चारों तरफ इसका मंदिर है। जितना बाउंड्री किया हुआ है उसके चारों ओर मंदिर ही है, करीब 8-10 मंदिर होंगे। देखिए यही है फ्रंट में जो सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का, कालीकुंड धाम का। ये भाई सब इधर फोटो शूट कर रहे हैं, देखिए थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे ऐसे भी अभी कोई मना नहीं किया गया फोटो शूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, अभी पुजारी साहब नहीं है, इसलिए हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं। नीचे बताया गया था कि फोटो शूट करने नहीं मिलेगा, ये आपने देख रहे हैं इधर। देखिए पीछे का सीन है, हम आगे का वीडियो आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, आगे का जो यात्रा है अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको। वीडियो काफ़ी हद तक लंबा हो जाएगी, ठीक है, कलिकुंड धाम तक आपको दिखाएं, फिर आगे का जो वीडियो होगा अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं मंदिर को, तब तक के लिए बाय।